तुझको भला एहसास है, है दिल मेरे ठहर जरा, तुझको भला एहसास है। मुझे तो देखते ही हसन आता है नाम जहन में। हसन रखें इसका नाम। मुझे भी यह नाम बहुत पसंद है। बस वैसे वैसे करती जाओ जैसा जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। उसको क्या मसला है हसन के साथ? पता नहीं, मगर वो हर वक्त हसन और आपके बारे में अजीब सी बातें करता रहता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। That's nice. क्योंकि हिना जितना डरेगी और जितना अपसेट होगी, तुम्हारे डैड को उस पर उतना ही शक, विच इज वट आई वॉन्ट। Finally, तुम्हें बुक्स की याद आ गई? हाँ अभी वो आज मैंने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया था, उससे मुझे पता चला कि नेक्स्ट वीक से एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। और जो टाइम तुम्हें एग्जाम्स की तैयारी में देना चाहिए था, वो तो तुमने अपनी मोहब्बत के गम में गुजार दिया। ओ वापी, आप मेरा मजाक तो मत उड़ाए ना। अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे पता है मेरी बहन को बहुत कॉम्पिटेंट है, मैनेज कर लो। मनाल, उसकी कोई कॉल आई थी? आई थी। फिर? मैंने रिसीव नहीं की। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब मेरी बहन ट्रैक पर आ गई है। यही समझ लें आपकी कोशिश से। अच्छा कौन सा टॉपिक पढ़ रही हूँ, कोई हेल्प चाहिए? इसका मतलब है हिना जरूर किसी के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए मोबाइल ऑफ कर दिया। जल्दी जल्दी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डैड ऑमलेट बना दूं? नहीं यार, मुझे बस चाय बना दो। अच्छे से ये फ्रेंच टोस्ट खा लें, आइमा के लिए मैंने स्पेशली बनाया। नहीं बस। क्या बात है, वो सरिया काम नहीं करती? आप तो जानते हैं वो अपनी मर्जी से काम करती, और वो भी सिर्फ हिना की। उसके काम ही इतने होते हैं ना। I don't know, ये हसन क्यों इतना रो रहा है यार? सारा दिन ही रोता रहता है, हिना से तो हैंडल ही नहीं हो पा रहा। ये पूछे तो एक मेड रख ले, हसन तो सुकून से होगा ना। क्या मतलब हैंडल नहीं होता है सर? क्या करती है वो सारा दिन? I'm sorry baby, dad, हाथी के दांत आने के और दिखाने के और होते हैं। शुक्र है बेटा तुमने फोन तो उठाया।
मैं बहुत परेशान हो रही थी। क्यों मम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, बस कुछ परेशानी है घर में। तुम आज आ जाओ तो बैठ के बात करते। और ये हसन क्यों रो रहा है? पता नहीं अम्मी, सुबह से उसकी तबीयत बहुत खराब है, रोए जा रहा है। देखो ना बेटा, कोई तकलीफ होगी उसे। हाँ पता नहीं क्या है, अभी देखती हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी उसे फिर। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी नहीं नहीं, खुदा हाफिज़। तुम करती रहो बात, क्यों काट दिया तुमने? नहीं वो अम्मी थी। मैंने तो नहीं पूछा तुमसे, फिर मुझे क्यों बता रही? मुझे तो इतनी देर से बाहर बैठा ही इसके रोने की आवाजें सुन रहा हूँ और तुम यहाँ फोन पे बिजी हो। नहीं मैं इसके पास ही थी, संभाल रही थी इसे। वो तो मैं देख ही रहा। अम्मी बहुत परेशान थी, मुझे घर बुला रही। हाँ तो चली जा, किसने रोका तुम? तुम्हारी फैमिली हमेशा से तुम्हारी पहली प्रायोरिटी रही है। ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। जाने से पहले वो ड्रामे से पैसे ले जाना, उनके लिए महीना शुरू हो गया है। और हाँ अम्मी, याद आए ये आदिल ने भिजवाए थे कुछ पैसे। नहीं बेटा, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब है ज़रूरत नहीं अम्मी? बेटा माशाल्लाह हुमा भी दो जगह जॉब कर रही है और अब तो हनान भी ट्यूशन पढ़ाने लगा है। ऐसा करो ये पैसे आदिल को वापस कर दो। अम्मी हुमा जो जॉब कर रही है उसकी इतनी ज़्यादा पे तो नहीं है ना, आप जानती हैं। और हनान ट्यूशन से कितना कमा रही है, खर्चा किस तरह चलेगा फिर? बेटा मैं चला लूंगी घर का खर्चा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर बात क्या है, मुझे खुल के बताएं अम्मी। अम्मी आप साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि अब हमें इनके भीखे पैसों की जरूरत नहीं है? ए, हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। ना हमें आदिल भाई के पैसों की जरूरत है और ना हम अब इस घर में रहना चाहते हैं। क्या यहाँ नहीं रहोगे तो और कहाँ रहोगे फिर? बेटा इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया बात करने के लिए। हम सोच रहे हैं हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। और आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला कर लिया मुझे बताए बगैर? हाँ क्यों, अब आपसे मशवरा करे बगैर हम कुछ कर नहीं सकते? हमें नहीं पसंद आपका हमारी जिंदगी में यूं दखलंदाजी करना। शर्म करो तुम, बड़ी बहन से इस लहजे में बात करते, जो जाके उससे माफी मांगो। मामा कहती हैं, क्यों कहती हैं ऐसा? वो पता नहीं, लेकिन डैडी अगर आप ना आए तो मैं केक नहीं काटूंगा। लिसन, तुम्हारे पास आखिरी मौका है डैड की तरफ से अपना दिल साफ करने का, प्लीज। हेलो डैडी। हेलो डैडी की जान, हाउ आर यू? डैडी आप मेरी बर्थडे भूल गए? नहीं नहीं बेटा, हाउ कैन आई फॉरगेट। मैं तो ये सोच रहा था कि आज शाम को आपके पास आके आपको सरप्राइज दूंगा। डैडी मैंने आपके लिए इनविटेशन कार्ड भी बनाया था। अच्छा वेरी गुड, लेकिन वो तो यार मुझे मिला ही नहीं। पर मैंने फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया? मामा कहती हैं आपको और हिना आंटी को इनवाइट नहीं करना है। मामा कहती हैं, क्यों कहती हैं ऐसा? वो पता नहीं, लेकिन डैडी अगर आप ना आए तो मैं केक नहीं काटूंगा। अरे डैडी क्यों नहीं आएंगे यार, डैडी आएंगे बिल्कुल, और डैडी जब आएंगे तो अपने जानू के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। ओके, और चॉकलेट्स भी। ठीक है चलो, डन हो गया, ढेर सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट। बाय मेरी जान, बाय बाय। डैड ये प्रोडक्ट्स के नए रेट्स आ गए हैं, आई वांट काफी। निशान की बर्थडे है आज।
इनवाइट कर रहा था मुझे। ऑफ कोर्स, जबकि तुम्हारी बीवी ये नहीं चाहती। नो डैड, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल। जाके अपनी बीवी को समझाना कि उस बच्चे के ऊपर हमारा भी उतना ही हक है जितना उसका है, और खुदा का वास्ता है, बड़ों की बातें बड़ों में रहने दें, बच्चों के जहनों में मत डालें वो ऐसी चीजें। यस सर। खून है वो मेरा, तुम्हारी बीवी कुछ भी कर ले, खून खून से जुदा नहीं हो सकता है। अच्छी तरह समझाना, यही बेहतर है उसके लिए। जी। ये क्या है? मामा, डैडी आए हैं और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए हैं। हाँ, वो जिशान ने फोन किया था डैड को। जिशान, मैंने तुम्हें मना किया था ना। बस भी करो और अच्छे से बात करना डैड से। बीबी, आप जाओ। गुड बॉय। कम ऑन, हिना भी आई होगी। नहीं आई है ना, अकेले आए हैं डैड। लिसन, तुम्हारे पास आखिरी मौका है डैड की तरफ से अपना दिल साफ करने का। प्लीज जल्दी करो, कारों के नीचे आओ। अरे आप डैडी, ये पहन के तो बिल्कुल क्लाउन लगेंगे यार। नहीं, आपको ये पहननी होगी। तेरे इज्जत के, चलो मैं पहन लेता हूँ। कहाँ से पहनते हैं भाई, डैडी ने वैसे हमेशा पहनाई है। आओ, कैंडल्स लेकर आए केक के लिए। आ जाओ। सुनो, मौका अच्छा, लेट्स एक्सक्यूज कर लो। कर लूंगी। नहीं, और ये मौका जाया मत करो। एक चीज के पीछे मत पड़ जाया करो, इधर ही है, वो कहीं नहीं जा रहे। कर लूंगी, डोंट वरी। हाँ देवे से। कम यार। चल, अच्छा इधर आओ। इधर आओ। गया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? इसको फोन कर। डैडी को क्लाउन बना दिया तुमने। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, बहुत अच्छा किया तुम इसको ले आई हो। हैप्पी बर्थडे। क्यों हाल है डैड? जीशान की बर्थडे में कैसे भूल सकती थी, भले कोई इनवाइट करे ना करे। निम्रा, वो एक्चुअली उसके फेलोज को इनवाइट किया था सिर्फ। कोई बात नहीं, कभी कभी बिन बुलाए आना भी अच्छा लगता है। कम ऑन, कैसी बात कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है, भाई का घर है, बाप का घर है, जब चाहो आ सकते हो, बुलाने की जरूरत नहीं है। आओ जी, केक काटते हैं। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, चलो ये खाओ। मैं आप, क्या हुआ डैड, परेशान लग रहे हैं? नहीं, वो अपनी हिना की 20 मिस कॉल्स है, वही चेक कर रहा। खैर हो डैड, से पता है आप जीशान के बर्थडे में हैं। मामा का आपको तंग कर रही है और क्या? कैसी बातें करती हो, मैं उसको बता के आया हूँ कि मैं, यार जब मैंने उसको बताया, उसको कोई एतराज थोड़ी होता है कि मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। डैड, यही तो है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। अरे ऐसी बातें मत किया कर, पता नहीं क्या है तुम लोगों के दिलों में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती तुम लोगों के हवाले से। मेरे ख्याल में टाइम भी ज्यादा हो रहा है, मैं चलता हूँ। मैं और आयमा भी चलते हैं आपके साथ। हाँ, आ जाओ आ जाओ। जोहेब, मैं डैड के साथ जा रही हूँ। ठीक है भाई, मैं
چلتا ہوں, ٹائم کافی. تھوڑی دیر بیٹھتے آپ لوگ؟ نہیں بس اس کے ہنا کے بھی فون آ رہے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ کہ وہ اپسیٹ ہو زیادہ. اوکے خدا حافظ. اوکے تھینک یو, بائے بائے. چل نمرا, نمرا آپ یہاں؟ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں اندر آ گیا, سوری. نمرا سے ملنا, مگر نمرا تو اس وقت گھر پہ نہیں. اچھا ہاں, اف یو ڈونٹ مائنڈ میں یہیں پہ ویٹ کر لوں. ایکچولی میں حسن کو لے کے ہاسپٹل جائے گی, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پہ رک نہیں سکتا. آپ اکیلے جائیں گے؟ رات بہت ہو. فون کر رہی ہوں عادل کو, کافی دیر سے وہ فون نہیں اٹھا رہے, بزی ہوں گے تو کیا کروں, مجبوری ہے, جانا پڑے گا مجھے اکیلے. اف یو ڈونٹ مائنڈ تو میں آپ کو لے جاتا ہوں آج کو, اٹس اوکے. نہیں بہت شکریہ آپ کا, میں چلی جاؤں گی. کمال کرتی ہیں آپ, بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ اس طرح کہہ رہی ہیں. ایسی آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم سوری اس دن کی بدتمیزی کے لیے, وقتی غصہ تھا, مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کیا کیا بول دیا میں نے. میں نے ریئلائز کیا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میری آئمہ کی وجہ سے کیا ہے. اور دیکھیے آنیسٹلی میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی, آئی ایم ریئلی سوری. پلیز اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں. تھینک یو. اٹس اوکے, چلیے زیادہ دیر ہوگی تو کلینک بند ہو جائیں گے اور پھر ہاسپٹل ہی جانا پڑے گا. پلیز تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ وہ انہوں نے بلایا تھا. Thank you so much. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آ گئے, ورنہ میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی. وہ ایکچولی شاید آپ کی پریشانی میں آنا تھا مجھے. And thank you for the tea. I had a very long day. Aap please baithe. Aima beta, aap room mein jao. تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ وہ انہوں نے بلایا تھا مجھے. جب میں تم سے سارے تعلق توڑ کر آ گئی تھی تو پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرات کیسے ہوئی تمہاری؟ میں کہہ تو رہا ہوں, مجھے انہوں نے فون کر کے بلایا. ایک منٹ, میں نے آپ کو کب بلایا تھا؟ میں نے تو آپ کو کوئی کال نہیں کی. ارے کیا بات کر رہی ہیں آپ, آپ ہی نے تو بلایا مجھے یہاں پہ. آپ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے کہ سچ کے عادل میں نے انہیں کوئی کال نہیں کی, یہ خود. آؤٹ.
आदिल मैं सर। बस। मेरी बात सुने, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। कितनी कॉल करी थी आपको मगर आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। हसन की बहुत तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल लेके जाना था इसे, और मैंने निकलने लगी तो अचानक साकिब आ गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। इसका मतलब है कि आप अभी मुझ पर शक कर रहे हैं ना? खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें आप। जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही है वो सिर्फ इतनी सी है कि मैंने साकिब की इतनी इंसल्ट की तो फिर उसकी इतनी जुरत कैसे हो गई कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही घर में दाखिल हो। बाप के लिए मेरा यकीन करें मेरी बात का। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं छुपाया आपसे। कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक सराब है। हेलो। हाँ आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, प्लानिंग भी अच्छी की और एक्टिंग भी। मुझे उधर मरियम के पास भेजकर उसे परेशान कर दिया और खुद यहाँ हिना के पास आकर उसे झूठी और धोखेबाज साबित कर दिया। क्यों फिर मानती हो ना उस्ताद मुझे? 100%। अच्छा साकिब अब जल्दी से इस खेल को खत्म करो। क्यों मजा नहीं आ रहा क्या तुम्हें? नहीं मुझसे ये सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं डैड को इस अजियत में नहीं देख सकती। हाँ कह दो तुम ठीक रही हो। अब तबीयत कैसी है इसकी? माशाल्लाह काफी बेहतर हो गया। चलो गुड गुड, मेरी जरूरत पड़ेगी तो कॉल कर लेना मुझे। अच्छा सुने, जो पैसे आपने अम्मी को दिए थे वो उन्होंने वापस भिजवा दिए। क्यों? कह रही है अब उनको जरूरत नहीं है। हनान ट्यूशन पढ़ा रहे और अम्मा जॉब भी कर रही है। तो ठीक है लेकिन घर के अखराजात इतनी आसानी से थोड़ी चलते हैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ, मम्मी ने वापस भिजवा दिया। तो ठीक है तुम मेरे ड्रॉ में रख देना, मैं देख लेता हूँ। चलो अब और डैड कैन यू डू मी अ फेवर, आई मां को ड्रॉप कर देंगे? आज ड्राइवर नहीं आया। हाँ हाँ कोई ऐसा मसला नहीं, चलो जाओ जाओ गाड़ी में बैठो। डैड आपने हिना के बारे में क्या सोचा? क्या मतलब? क्या मतलब? वो आपके सामने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। इमरा तुम साकिब को बड़ी अच्छी तरह से जानती हो, कितना झूठा है कितना धोखेबाज है, तुमसे बेहतर कौन जाने? और फिर मैं इतनी आसानी से उसकी बातों में यकीन नहीं कर सकता।
लेकिन क्यों ले रही हो टेंशन? मत लो टेंशन, मुझसे बेहतर जानती है तुम, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, जान छूटेगी ऐसे ऐसे इंसान से। आइए। एक बात जानना चाह रहा था। क्या आदिल आए थे? क्यों, तुम्हें नहीं पता बेटा? दिल मेरे ठहर जरा, दिल मेरे ठहर जरा। अस्सलाम वालेकुम, आइए। एक बात जानना चाह रहा था। जी। ये पैसे आपने वापस क्यों कर दिए? इन्होंने आपको बताया नहीं? उसने मुझे बताया था कि आपको इनकी जरूरत नहीं है। दरअसल उस दिन के वाकये के बाद बच्चे परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा कि आप पैसे नहीं लेंगी, अब तो बच्चों की मर्जी के मुताबिक ही चलना पड़ता है। बच्चे तो जज्बाती होते हैं, लेकिन आपको तो प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। मुझे आप ही बताइए, जब प्रॉपर कोई इनकम नहीं है तो घर के अखराजात कैसे पूरे हों? हमने तो पहले भी इज्जत और वकार से गुर्बत में गुजारा किया है, अब भी कर लेंगे। देखिए, पहले की बात कुछ और थी, पहले हिना आपकी बाजू थी, अब हुमा और हनान है। मैं जानता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मेरी हिना के साथ कमिटमेंट, आपको सपोर्ट करने की कमिटमेंट, और मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता। बस आप हिना का ही ख्याल रखिए, मेरे लिए यही काफी है। देखिए, अगर आप मुझे कुछ समझती हैं और हिना की खुशी में आपको अजीज है तो ये पैसे लेने से इनकार मत कीजिएगा। मैं हिना के सामने सुरखरू होना चाहता हूं, क्योंकि इसी कमिटमेंट में मैंने उससे शादी की। प्लीज रख लीजिए। शुक्रिया। और हाँ, आपको एक और वादा मुझे देना पड़ेगा, आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है बेगम साहिबा, आप बहुत परेशान लग रही हैं। यकीनन आप निर्मला बीबी की तरफ से परेशान होंगी, वो तो इंतहाई बदमिजाज, झगड़ालू, हर चीज में नुक्स, हर चीज में कीड़े। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि घर के मालिकों के खिलाफ बातें कर रही हो? हाँ, आइंदा अगर मैंने देखा या सुना तो यह नजर नहीं आओगी, समझी? जाओ। और तुम जो साकिब को ट्रैप करने की कोशिश कर रही हो ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मुझ पर इल्जाम है और इल्जाम लगाने वाले कभी कामयाब नहीं होते। अच्छा, कैसे साबित करोगी? मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला मेरे साथ है, वो ही मेरा साथ देंगे।
हिना बेटा तुमने पैसे क्यों वापस भिजवाए? तुम्हें पता है ना उस दिन भी बात इतनी बढ़ गई थी। मैंने? हाँ, आदिल साहब आए थे, पैसे देकर गए। क्या आदिल आए थे? क्यों, तुम्हें नहीं पता बेटा? नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने कुछ कुछ बताया तो नहीं मुझे। है ना, तुमने हनान की बात को इतना दिल पे ले लिया बेटा? मैं क्या, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मुझे दूसरों की बातें बुरी नहीं लगती? सब जो कर रहे हैं वो ठीक है, बस मैं ही गलत हूँ। क्या हुआ बेटा? अम्मी मैं परेशान नहीं हूँ, आपसे कुछ देर में बात करती हूँ। जरूर कोई बात है जो ये मुझसे छुपा रही है, अल्लाह खैर करे। क्या इतला है आपने सरमत की वही जी? उसके आखिरी फेसबुक स्टेटस के मुताबिक हफ्ते भर के लिए प्राग गया हुआ था, और मेरे ख्याल है कि कल वो न्यूयॉर्क पहुंच गया होगा। तो बस फिर ये समझ लीजिए कि उसका वक्त आ गया है वापस पाकिस्तान आने का। क्यों, उसके लिए कोई रिश्ता तलाश करके रखा है? एक्चुअली हम बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। लकीली एक जर्मन कंपनी है, वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में एक नया यूनिट यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि अपना सरमद आ जाए तो वो आके टेक ओवर कर ले ये सब कुछ। बाहर का पढ़ा लिखा है, उसको एक्सपीरियंस है बाहर का। आई थिंक सरमद इज द राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। क्या मतलब है जहर के होते हुए? सो व्हाट, अब्बा के होते हुए मुझे याद है दादा ने आप ही के पल्ले बांधा था मुझे। और आपने सिखाया माशाल्लाह, ये आज जो कुछ भी है ये आपका सिखाया हुआ जो है वो ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर सरमद आ जाएगा तो जुहेब को सीखने का बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि जुहेब अभी भी मैं देखता हूँ थोड़ा सा केयरलेस है, कुछ चीज़ें नहीं समझ पाता है। सरमद के होते हुए सरमद जैसा उस्ताद मिल जाएगा तो और क्या चाहिए उसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन ये जो अभी आपने कहा कि फेसबुक के स्टेटस से पता चला है कि वो पराग गया हुआ है, तो मुझे ये बताइए फोन में बात नहीं होती आपकी उससे? अरे भाई नौजवान लोग हैं, कहाँ इनके पास टाइम फोन करने का। बस फेसबुक पे डाल देते हैं कि हम यहाँ गए, ये गए, फलंग हुआ, ये हुआ, हमने क्या खाया। हाँ एक तो ये सोशल मीडिया जो है ना जी, ये सबको बावर करा देता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है और हम कहाँ हैं और हमने क्या खाया। हाँ क्या खाया, तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। किससे दुश्मनी निभा रही है, बच्चे से या उसकी माँ से? बेबी को भूख लग रही है। आप यहाँ पे हो ना, आप जब तक हसन का ख्याल रखो मैं हसन के लिए दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? हसन के पास रहना।
सिंह यहाँ रो रहा है और आप उसको उठा नहीं रहे हो, चुप नहीं करा रहे हो? हाँ मम्मा ने उसे चुप कराने से मना करा। आयमा क्या बात कर रही है, जा अपने कमरे में। डैड क्या कह रही है, तुमने मना किया है? डैड मेरी बात तो सुने। तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। किससे दुश्मनी निभा रही है, बच्चे से या उसकी माँ से? और जो कैसे भूल सकती हो कि ये तुम्हारा खून है? डैड मेरी बात तो सुने। दुख हुआ है मुझे, तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करता मैं ये सब कुछ कि अपनी बड़ों की सियासत में बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हो। बस कर, कीप द किड्स आउट ऑफ दिस प्लीज। उठाओ इसे, ऊपर लेकर आओ। आपके बाल नहीं सही। पापा आ गए। ओ बेबी आजा, आजा मेरा बच्चा। क्या पक्का है? कुछ नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानते हो कि जो नासिर है वो जॉब छोड़ के चला गया, तो मैं कहा इतनी गर्मी में किसी में कुछ बना सकती थी। लेट्स गो आउट, हम तो तुम्हारा वेट कर रहे थे, कुछ रेस्टोरेंट से खा लेते हैं। तुमसे हजार गुना बेहतर वो जाहिल औरतें हैं, कम से कम अपने खावन का ख्याल तो रखती हैं। तुम मेरे बेटे के सामने मुझ पे शाउट कर रहे हो और अब तुम मुझे उन जाहिल औरतों के साथ कंपेयर करोगे। इनफैक्ट तुम उनसे भी बदतर हो। ना अपने बच्चे की परवाह है, ना अपने शौहर की परवाह है, मुलाजिमें तो उनसे बुरा सलूक करती हो। तुम इंसान भी हो या नहीं? You have to calm down, I said. So you think I'm useless for you? हाँ, वो तुम useless मेरे लिए। In fact, सब के लिए। और तुम्हें मुझसे कोई फायदा नहीं है? नहीं है कोई फायदा मुझे तुमसे। अच्छा, तुम एक काम करो, उन जाहिल औरतों को अपने घर में ले आओ ताकि वो तुम्हारा ख्याल रखें। मैं चली जाती हूँ, ठीक है? Please go. ने शादी कर ली, माय आइडियल हबी। इस शख्स ने मुझसे मेरी नताशा को नहीं छीना, जिसने छीना है मैं उसे कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। हाँ जी जी जनाब। ओके ओके, क्या क्या चाहिए? ये देखो, ये मेरे साथ ही बातें करने लगा है। अब ऑनेस्टली मुझे इस पे प्यार आने लगा है ना। जी क्या बात है, बताइए ना क्या हो गया? इस वक्त कौन है जी, कौन फोन कर रहा है? रॉन्ग नंबर है कोई? क्या आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही रॉन्ग नंबर और मैसेज नहीं आने लग गए? पता नहीं कहाँ से लोगों को नंबर मिल जाता, फिर परेशान करने लग जाते। तुम्हारा फोन नंबर है या हैजा जो फैल गया होगा? अगर कहो तो मैं चेंज करवा देता हूँ। नहीं जरूरत नहीं उसकी, वरना 2 सेकंड लगते हैं ट्रेस करने। I can fix it. अगर तुम कहो। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, खामखा बक्स आया होगा और कुछ भी नहीं होगा। यार
तो इसलिए कह रहा था कि तुम परेशान हो रही हो। मैं परेशान नहीं होना है, इसलिए मैं कह रहा था कि ट्रेस कर लेते हैं। है जी, पता ये हसन के बहाने आपको हमसे दूर करना चाहती। डबल स्टैंडर्ड्स हैं इसके, डबल गेम की। बेटा, अपने मफादात के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, और तुम्हें तो पहले दिन से ही किसी ने कबूल नहीं किया। प्लीज हिना, मेरी मोहब्बत की खातिर। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बता देना कि कहाँ आना है, आ जाऊंगी। हिना किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट जा रही मिलने। किस लड़के से मिलने?